हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं चूहे भगाने का एक ऐसा अचूक नुस्खा जिससे चूहे 5 मिनट में आपके घर से भाग जाएंगे और घर में वापस मुड़कर नहीं आएंगे। अक्सर फ्रेंड्स, हम सबके घरों में हम चूहे घूमते ही रहते, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कितना भी कोशिश कर लो ये घुस ही जाते हैं और घर में बहुत सारा इन्फेक्शन फैलाते हैं, बहुत सारा नुकसान करते हैं और तो और खाने पीने की चीज़ों में इधर उधर कुतर कुतर कर सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं। तो कुछ चूहों से तो अक्सर सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। तो आज मैं एक ऐसा नुस्खा लेके आई हूँ जिससे आप इन चूहों से निजात पा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, चूहे भगाने के लिए जो आज मैं एक अचूक नुस्खा बताने वाली हूँ उसके लिए हमें चाहिए कि इस टाइप की कॉइल जो मच्छर भगाने के लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर आप ले लें इस टाइप की अगरबत्ती जो मच्छर भगाने के लिए होती है, मच्छर मक्खी ये सब भगाने के लिए होती है। ये अगरबत्ती अक्सर मिली जाती है कहीं पर भी, या कॉइल भी ले सकते हैं आप। इन दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं, बस दोनों ही चीज़ें मच्छर भगाने वाली हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ ये अगरबत्ती कौन सी होती है, कैसी होती है। तो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ब्रांड कोई भी हो तो ये अगरबत्ती ले लें या कॉइल ले लें। तो यहाँ मैं कॉइल ले रही हूँ। अगरबत्ती थोड़ा सा सॉफ्ट होती है ऊपर से, उसको जो कोट हुआ होता है जो मसाला, और जो ये कॉइल होती है थोड़ा हार्ड होती है, तो थोड़ा सा तोड़ने में कूटने में थोड़ा मुश्किल आती है। तो हम इस कॉइल को टुकड़े कर लेंगे, पर मैं यहाँ कॉइल लेती हूँ। कॉइल तो मुझे लगता है सभी के घर में मिली जाती है, और वैसे तो आजकल अगरबत्ती भी मिलती ही है। तो ये देखिए, कॉइल को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अच्छा, कॉइल आपको कितनी लेनी है? अगर आपका घर बड़ा है, बड़े एरिया में बहुत सारी जगह आपको यूज़ करना है ये नुस्खा, तो आपको पूरी ही कॉइल लेनी पड़ेगी। और अगर छोटा घर है, कुछ जगहों पे रखना है आपको, कुछ जगहों पे ये नुस्खा यूज़ करना है, तो आधी कॉइल ले लें। मैंने आधी ही कॉइल ली है और इसको अभी हम कूट लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें, कभी भी ये जो चीज़ आप बना रहे हो, नुस्खा बना रहे हो, ये चीज़ें खाने पीने के बर्तनों में ना करें। ये मेरे पास एक प्लास्टिक का ऐसे ही एक डब्बा है जो मैं कुछ इस टाइप की चीज़ें के लिए यूज़ करती हूँ, ऐसे ही नुस्खों के लिए। तो बस इसको कूट लें आप अच्छे से, धीरे धीरे कूट जाएंगे ये आराम से, छोटा छोटा, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना है, बस थोड़ा सा दरदरा सा कूट लेना है इसको। ये देखिए इस टाइप का, तो हमने इसको कूट लिया है। अभी क्या करेंगे, इसमें हम ना थोड़ा सा पानी डाल देंगे, हमें इसमें पानी डालना है। हम इतना डाल दें कि ये थोड़ा सा डूब जाए, बस थोड़ा ही डालें पानी। और ये देखिए, इतना अंदाजे से आप डालें और इसको इस तरीके से मिक्स कर लें और 10 से 15 मिनट के लिए भीगने दें। आप ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, लेकिन 15 मिनट, 10 से 15 मिनट तो रखना ही पड़ेगा। तो चलिए 10 से 15 मिनट बाद देखते हैं इसको। तो ये काफ़ी हद तक अच्छे से घुल गई हैं, गल गई हैं इसमें पानी में। अच्छा फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताती हूँ, आपको ये नुस्खा अगर आप दो तरीके से यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में बिल बना लिया है चूहों ने, तो उसके लिए आप क्या करें, जब आप इसमें पानी डालें, जब इसमें भिगोएं इसको, तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें और ऊपर का पानी फिर जब भीग जाए तो ऊपर का पानी निकालें और स्प्रे बॉटल में डाल के बिल के आसपास उसको स्प्रे कर दें। चूहे बिल्कुल नहीं आएंगे उस बिल में, और होंगे भी तो निकल के भाग जाएंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा पानी डाला था, ज़्यादा पानी नहीं डाला था, क्योंकि मेरे घर में बिल नहीं है चूहों का, बस चूहे इधर उधर दिखते रहते हैं, तो इसलिए मैंने पानी थोड़ा सा डाला था। और इसको अच्छे से मैश कर लिया, अब जो जो टुकड़े थे ना उसके कॉइल के अच्छे से मैश हो गए। अब इसमें डालना है हमें आटा, मैदा, बेसन, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आटा लिया है, यहाँ मैंने लगभग 4 चम्मच आटा लिया है और 1 चम्मच इसमें हमने डिटर्जेंट पाउडर लिया है। तो आटा आप अपना हिसाब से ले सकते हैं, जितना भी मसाला बनाना हो, जितना नुस्खे जितनी जगह यूज़ करना हो उस हिसाब से ले लें। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, हमने फ्रेंड्स यहाँ पर जो डिटर्जेंट लिया है, तो वो किस लिए लिया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा, जब भी आप कपड़े भिगोते हैं डिटर्जेंट डाल के, तो उसमें एक गर्माइश होती है, तो वो एकदम गर्म हो जाता है। तो जब ये नुस्खा आप यूज़ करेंगे चूहों के ऊपर, तो उनके शरीर के अंदर भी एकदम जलन पैदा होगी, गर्म हो जाएगा, उनके अंदर आग सी लग जाएगी उनके शरीर में, तो वो भागेंगे घर से निकल के बाहर की तरफ। तो ये देखिए, इस तरीके से आटे के जैसा गूंद के और छोटी छोटी गोलियाँ बना ली हैं हमने। आप किसी भी साइज़ की बना लें, फिर भी थोड़ी सी
बिल्कुल छोटी भी नहीं बनाएं, थोड़ी थोड़ी मोटी ही बनाएं और इसको रख दें। लगभग 5-10 मिनट के लिए मैंने इसको रखा और एकदम सूख गई हैं ये गोलियाँ, मतलब सूख वैसे नहीं सूख गई हैं लेकिन चिपक नहीं रही हैं, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ड्राई हो गई हैं। बस 5-10 मिनट ही बहुत है। अब हम इसको रखेंगे कहाँ कहाँ, तो सबसे पहली मेन जगह होती है तो हमारे घर का जो मेन डोर होता है वहाँ पर, तो मेन डोर के बिल्कुल कॉर्नर में आप रख दें, क्योंकि चूहा हमेशा दीवार के साइड साइड से ही आते हैं, कॉर्नर कॉर्नर से, तो आप दीवार के बिल्कुल साइड में रख दें। तो यहाँ मैंने रख दिया मेन डोर पर। एक तो हमेशा कुछ भी ऐसा यूज़ करें तो दीवार के साइड साइड में ज़्यादा होते हैं। तो चलिए अभी दूसरी जगह क्या होती है, दरवाजे के पीछे। चूहा जब भी इधर उधर भागता भागता है तो दरवाजे के पीछे ज़रूर जाते हैं, तो यहाँ भी इसको रख दिया है। तो यहाँ इसको खाएंगे ये, और खाकर बाहर भागेंगे जब उनके शरीर में से जलन होगी, आग सी लग जाएगी इसलिए। और एक बेड के नीचे रख दे, बेड के नीचे भी चूहे काफ़ी घूमते हैं। अब एक जगह और आती है जहाँ किचन में जो कबर्ड्स होती हैं, अगर आपके यहाँ मॉडलर किचन हो तो उसके नीचे रख दें। तो यहाँ मेरे पास एक कबर्ड्स है, उसके नीचे मैं इसको रख रही हूँ, तो चूहा यहाँ नीचे नीचे भी काफ़ी घूमेंगे। अब एक जगह आती है सिलेंडर के पास, तो गैस सिलेंडर जहाँ होता है उसके आसपास रख दें, यहाँ भी चूहे घूमते रहते हैं और छिपते ज़रूर हैं यहाँ पे। अच्छा फ्रेंड्स, इस नुस्खे को आजमाते हुए एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों तो उनकी पहुँच से इनको दूर रखें। इसीलिए मैंने इन गोलियों को या तो दरवाजे के पीछे या बेड वगैरह के नीचे रखा है, तो इस तरीके से इसको यूज़ करें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा ये नुस्खा आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।